कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 26 सितंबर को हरियाणा में दो रैलियां की। सबसे पहले हरियाणा के असंध में चुनावी रैली को राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान जो सबसे खास बात थी वो ये कि राहुल गांधी के अगल बगल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा नजर आए। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले नाराजगी के बीच पहली बार एक मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा नजर आए। राहुल गांधी बारी बारी से दोनों को वक्त देते भी दिखे। करनाल की रैली में मंच से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है कि इनके सामने कोई और नेता टिक नहीं पा रहा है। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करती हूँ, इनका धन्यवाद करती हूँ जो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है। जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेस्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। और उसकी मिसाल आपने लोकसभा में देखी कि जब राहुल गांधी जी खड़े हुए बोलने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी न जाने 10 बार खड़े होकर इनके बीच में बोलने का प्रयास कर रहे थे। और जब खुद नरेंद्र मोदी जी बोलने लगे तो मेरे को लगता है 10 बार नहीं 20 बार शायद पानी पीना पड़ा होगा बीच में। कुछ कहने को नहीं है, बोलती बंद हो गई है। साथियों, आज समय आ गया है, हरियाणा से राहुल गांधी जी के दौरे का आज यहाँ असंध से आगाज हुआ है। इनका दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ और मैं अपील करती हूँ, हरियाणा में जो 10 साल का कुशासन भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपा गया, धोखे से राज किया गया आपके ऊपर, आज समय आ गया है उसका बदला चुकाने का। मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा गरीब भाई, 36 बिरादरी, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, सभी लोग आज आप इस इंतजार में हैं और ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने भाषण में कुमारी शैलजा को वरिष्ठ नेता बताया। सर्वमान्य नेता, हमारे सबके नेता श्री राहुल गांधी जी, जो आज विपक्ष के नेता हैं और एक बहुत मजबूती से लोगों की आवाज हर मुद्दे पे उठा रहे हैं, और यहाँ पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयपान जी और हमारी वरिष्ठ नेता बहन शैलजा जी और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी बीरेंद्र सिंह जी व जितने भी हमारे इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, सभी हमारे उम्मीदवारगण या यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार शमशेर गोगी जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, देखिए राहुल जी, जब से आपने भारत जोड़ो यात्रा इस जीटी रोड से गई थी और हरियाणा में सब जगह गई थी, एक नया जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में आपने भरा है और स्वयं आप देख रहे हैं कि लोग आज केवल हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल इनकी सरकार थी, लोगों ने तोल के देख लिया। इस सरकार ने हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे गोहाना में, कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलों का MSP दे रही है। अरे 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में, फसल जिन फसल कभी हुई नहीं हरियाणा में उनकी भी गिरावट कर रहे हैं। बता दें, विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही ये खबरें सामने आ रही थी कि कुमारी शैलजा टिकट बंटवारे में खुद को नजरअंदाज किए जाने को लेकर नाराज थी, इसलिए वो रैलियों से भी दूर थी। कुमारी शैलजा विवाद के कारण हरियाणा में कांग्रेस का चुनाव प्रचार प्रभावित हो रहा था, कांग्रेस के कई बड़े नेता अभी तक कैंपेन नहीं कर पाए थे। दूसरी तरफ बीजेपी का प्रचार पूरे रफ्तार से चल रहा है। पीएम मोदी अभी तक हरियाणा में दो रैलियां कर चुके हैं। दावा किया जा रहा था ये अंदरूनी कलह के कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन राहुल ने हरियाणा में पहुंचने के साथ ही पार्टी की एकजुटता को भी साथ दिया है। कांग्रेस ये संदेश देने में एक तरीके से सफल रही है कि पार्टी में ऑल इज वेल है।